चलो स्टूडेंट, हम लोग गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 17 के सॉल्यूशन कर लेते हैं। 16 के कर चुके थे, 17 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है। धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन ऐसे मिलते रहेंगे, तो आप उसको क्लियर कर लिया कीजिए। आओ गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 17 का डिस्कशन कर लेते हैं। चलो ये कह रहा है, मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज एटीनियम, इट्स डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हेंस मोलैलिटी इज। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन आपको है मोलैलिटी कैपिटल M कितना है 18, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.8। कह रहा है मोलैलिटी बता दो, मोलैलिटी बता दो, ये पूछा गया है, मोलैलिटी बता दो आप। तो याद करो, हम लोग जब क्लास पढ़ते हैं तो 7 खतरनाक रिलेशन पढ़ते हैं, 7 खतरनाक रिलेशन, और उस 7 खतरनाक रिलेशन में एक रिलेशन ये भी था कि अगर आपको मोलैरिटी दिया हो और मोलैरिटी पूछा जाए, मोलैरिटी दिया हो और मोलैरिटी पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने याद किया था, m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू m2, m इंटू m2, m इंटू m2, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पर कैपिटल M है मोलैरिटी, D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और m2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जल्दी बता दो क्या 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है आपकी 18 अपॉन 1000 इंटू d, ओरल कर सकते हो आप, डेंसिटी है 1.8 माइनस मोलैरिटी है आपकी कितनी 18, और H2SO4 का मोलर मास 98, कर लो आप। मैं इस चीज को यहां ला दे रहा हूं, m इक्वल्स टू ये 18,000 हो गया, ये 1800 हो गया, माइनस 18 और 98 का मल्टीप्लीकेशन 98 इंटू 18, 18 अट्ठे 144, 98 162 और 14 1764, चेक करो जरा, 1764, 18 अट्ठे 144, 4 14, 18 9 162, 162 और 14, 162 और 14, 1764, ठीक है, 1764, इसको घटा दो, अब ये 1800 है या 1700 है, कितना जोड़ दिया जाएगा, 1800 हो जाए, तो इसमें 34 जोड़ दो, 34 की 36, 36 जोड़ दो, 6 4 10 6 3 9 1 10 7 1 8, ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18000 बटे 36, कोई है 5 5 30, देखो कर दो इसको, ठीक है, कितना आ रहा है 500, चेक कर लो आप, डिवाइड कर दो 30, अगर इसको 30 माने तो 5, ठीक है 500, प्रोसेस से करना है तो दूसरी बात है, लेकिन आप ट्रिक से करो तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, एग्जाम के समय में ये ब्रह्मास्त्र होगा आपके लिए, जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, अगर मोलैरिटी दिया हो और मोलर मास दिया हो तो सीधे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मतलब रिलेटिव किसी के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो सीधे आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, सीधे बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन लगा दिया करो, मास अपान मोलर मास, और नाना लगा दिया करो यानी अपान यानी, और नहीं तो वी अपान वीएम। क्या वॉशिंग मशीन, नाना, वी अपान वीएम, इन सब से निकलता है क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको क्या दिया है, आपको मास दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है, तो यहाँ से यानी निकल जाएगा ना, तो एन निकाल लो भाई, एन क्या होगा डब्लू बाई एम इंटू, यानी डब्लू कितना है 88 ग्राम, CO2 का मोलर मास 44 इंटू यानी 6.02 इंटू 10^23, 2 4 0 12 इंटू 10^23 कितना, कोई है ऑप्शन 1.2 इंटू 10^1.2046, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, इसका चेक कर लो आप, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है ये, चलो आ जाओ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आओ, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद करो कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे आपको, कॉन्सेप्ट ये था कि जब फंडामेंटल पार्टिकल निकालना हो ना, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू पहले से प्रेजेंट, यही बताए थे, पहले से प्रेजेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इंटू एन इंटू यानी एन नंबर ऑफ मोल्स है यानी वो गेट दो नंबर है। तो बता दो जरा कितना मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो एन निकल जाएगा 10 कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100.1 मोल आ गया, और यानी तो दुनिया जानती है, आप जानते हैं कि नहीं, ये तो अच्छी बात है 6.02 × 10^23। अब आप प्रोटॉन चेक करो, CaCO3 में प्रोटॉन, CuCO3 में प्रोटॉन, बताओ जरा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20, कार्बन में 12, ऑक्सीजन में सॉरी कार्बन में 12, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं ना भाई, हम तो एटॉमिक मास ले लिए, एक कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तो प्रोटॉन 20, कार्बन में 6 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन 8 × 3 = 24 कितने हुए 20 20 40 10 50, 50 प्रोटॉन पहले से ही है इसमें, तो कर दो 50 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10^23 5.0 × 6.02 × 10^23 10^36 × 10^23 3.010 × 10^24 3.010 × 10^24 कोई है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें चेक कर लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 पर आ जाओ, ये तो आसानी है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, याद करो
टेम्परेचर को समझाने के लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, कहा था कि अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हैं और दोनों में से कोई एक सिस्टम किसी थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम पर हो तो सेकंड और थर्ड भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। तो टेम्परेचर को डिफाइन करता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बी ऑप्शन ध्यान रखना, बी ऑप्शन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम कभी सोता नहीं है ना, हम लोग तो कभी आराम कर लेते हैं लेकिन इक्विलिब्रियम जो होता है वो कभी सोता नहीं है, कंटिन्यूसली डायनेमिक होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल बना रहता है, ठीक है, लेकिन चलती रहती है रिएक्शन, रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं करती और कंसंट्रेशन कांस्टेंट बना रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल बनी रहती है, जितना तेज़ी से फॉरवर्ड जाता है इतना तेज़ी से बैकवर्ड जाता है। इक्विलिब्रियम को क्लोज कंटेनर में पाया जा सकता है और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से अटेंड किया जाता है। डेल्टा जी जीरो होता है, ई सेल जीरो होता है, डेल्टा एस जीरो होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स लिखवाई गई हैं क्लास में जब आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था। तो आओ देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज कंटेनर, एकदम सही बात है, दिल खुश हो गया। ऑल मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, मीजरेबल प्रॉपर्टी में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या मोलर कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कॉन्स्टेंट हो जाता है, एकदम खुशी की बात है। ऑल द फिजिकल प्रोसेस, ये देखो यही लोचा है, इक्विलिब्रियम पर कोई प्रोसेस स्टॉप नहीं होती, और प्रोसेस होती क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के चलने की रेट स्टॉप नहीं होती। तो पूछा है नॉट, तो आप कहोगे सी वाला, द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, एकदम सही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है और डायनेमिक होती है ना, स्टेबल होने का मतलब स्थिर, ठीक है। तो 50 का सी ऑप्शन, चलो ये 51 थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 51 में पहले तो अपनी टारगेट रिएक्शन बनाओ, टारगेट रिएक्शन, टारगेट रिएक्शन में क्या है आपको ये लाना है इसके लिए ना, तो इसमें क्या बताए थे प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, कोफिशियंट पावर में सॉलिड लिक्विड नहीं लेना है। केसी का एक्सप्रेशन जब भी करते थे तो ऐसे ही करते थे, तो केसी थ्री है, ये थ्री प्रोडक्ट ऊपर SO2 का स्क्वायर O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर, ये मान लो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, यही आपको लानी है। अब आप बताओ जरा, आपको SO3 नीचे लाना है या SO2 ऊपर लाना है, यहाँ SO3 ऊपर है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, और चूंकि ये कोफिशियंट में है पावर टू में है तो इसमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिएक्शन में दो से मल्टीप्लाई करोगे और रिवर्स करोगे, तो बताओ जरा इस रिएक्शन में दो से मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स करोगे, तो दो से मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, 2SO3 प्लस 2NO गिव्स 2NO2 प्लस 2SO2। अब रिएक्शन को रिवर्स किए हो तो 1 अपॉन KC2 हो गया। अब लिख दो कोफिशियंट NO2 का स्क्वायर SO2 का स्क्वायर अपॉन SO3 का स्क्वायर NO का स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। और ये आप देख लो पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक, चलो आगे देखो NO2 स्क्वायर SO2 स्क्वायर SO3 NO का स्क्वायर, जरा चेक करो, ये हो गया सेकंड। अब पहले में जरा देखो आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, KC3 में NO2 आ ही नहीं रहा है, तो क्या कुछ करें कि सब कैंसिल हो जाए। तो जरा देखो, अगर यहाँ NO2 ऊपर आ रहा है तो यहाँ इसके एक्सप्रेशन में NO2 नीचे आना चाहिए, तभी तो NO2 ऊपर NO2 नीचे कैंसिल होगा, तो ऑब्वियसली इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, और NO2 स्क्वायर है तो NO2 स्क्वायर है, NO स्क्वायर आएगा NO स्क्वायर है,
तो सिंपल सा इसको रिवर्स करके, इसको रिवर्स कर दो सीधे, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, पहले रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं हम, 2NO2 gives 2NO plus O2। अब बताओ जरा रिवर्स किया हो तो 1/KC3 लाओगे, सॉरी KC3 KC2, ये KC1 है, KC1 है तो क्या लिखोगे बताओ, NO का स्क्वायर O2 और NO2 का स्क्वायर, ये हो गया थर्ड। अब आप देख लो जब रिएक्शन सक्सेसिव स्टेप में चलती हैं तो हर एक स्टेप का क्या होता है, हर एक स्टेप का प्रोडक्ट होता है, हर एक स्टेप के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो अगर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा ना। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन थर्ड। जरा देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो NO ऊपर है, NO नीचे है, कैंसिल होगा, NO2 नीचे है, NO2 ऊपर है, कैंसिल होगा ना। आपको क्या चाहिए, आपको SO2 स्क्वायर ऊपर चाहिए, SO2 स्क्वायर ऊपर है, आपको O2 ऊपर चाहिए, O2 ऊपर है, SO3 नीचे है, स्क्वायर के फॉर्म में नीचे है, आ तो गया। जो काम इन इक्वेशंस में कर रहे हो वही इक्विलिब्रियम में कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, KC3 इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1/KC1 × एक चीज और, आपने इस रिएक्शन में दो से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो जब भी रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोफिशियंट पावर में जाता है, जिसके कारण के सी भी पावर में हो जाता है, तो KC2, तो आप KC1 और KC2 ना। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में ऐसा कोई दिया नहीं है तो आप इसको और ओवन कर सकते हो, KC3 × KC1 × KC2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1। कोई है आंसर, एक ही ऑप्शन ही था, ये बी वाला ऑप्शन सही है, चेक कर लो आप, बी वाला ऑप्शन सही है, सही है। बस क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, इसको आपको क्लास में सिखाया गया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर का इफेक्ट और नेचर ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट, तीन बातें हैं, तीनों समझ लो। अगर रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा पहले वाले का, इक्विलिब्रियम में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशियंट पावर में जाएगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में, अगर स्टेप अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहे हैं तो हर एक स्टेप का प्रोडक्ट ओवरऑल स्टेप के बराबर होता है ना। बोलो समझ में आया, चलो ठीक है आगे। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, कह रहा प्योर वाटर pH इंक्रीजेज एंड pOH डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, pH डिक्रीजेज एंड pOH इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, बोथ pH एंड pOH इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, बोथ pH एंड pOH डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। जरा बताओ भाई, H2O क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसको तोड़ना है तो आप कहोगे H प्लस और OH माइनस। H2O को तोड़ोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है ना। जरा बताओ H2O का टूटना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी दोगे ना, डेल्टा H क्या पॉजिटिव। ली चैटेलियर के हिसाब से क्या बताया गया था, ली चैटेलियर के हिसाब से बताया गया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर एंडोथर्मिक की होगी, तो रिएक्शन आगे जाएगी, ये ज़्यादा टूटेगा, ये ज़्यादा बनेगा। अब बताओ H प्लस आयन भी ज़्यादा बन रहा है तो H प्लस आयन बढ़ रहा होगा तो pH घटेगा, और H प्लस आयन बढ़ रहा होगा तो OH आयन भी तो बढ़ रहा होगा, OH आयन भी बढ़ेगा क्योंकि ये H2O टूट रहा है तो ये दोनों का अमाउंट बढ़ता जा रहा होगा। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट ये KW को कांस्टेंट रखते हैं बट OH आयन बढ़ेगा, OH आयन बढ़ेगा तो POH
घटेगा, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन होता है, pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन और POH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू OH आयन। तो OH आयन बढ़ रहा है तो POH घटेगा, H प्लस आयन बढ़ रहा है तो pH घटेगा। कौन सा ऑप्शन? बोथ pH एंड POH डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो KW से खेल सकते हो आप। डी ऑप्शन इसका सही है। 53 देख लो आप, एकदम हलवा क्वेश्चन था। द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 ml ऑफ 10 टू पावर माइनस n HCl एंड 10 ml ऑफ 10 टू पावर माइनस n NaOH। आसान तो है, सॉल्यूशन देखो इसका, HCl है, HCl है, इसका वॉल्यूम कितना दिया 10 ml, इसकी नॉर्मेलिटी कितना दिया, नॉर्मेलिटी 10 टू पावर माइनस n, 10 टू पावर माइनस 1, और NaOH है, इसका वॉल्यूम कितना दिया 10 ml, और इसकी नॉर्मेलिटी कितना दिया 10 टू पावर माइनस 1। अरे भाई, जब एसिड और बेस, स्ट्रांग एसिड ये सा है, ये सब है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस जब मिलाए जाते हैं तो रिजल्टेंट H प्लस आयन निकाला जाता है या रिजल्टेंट OH आयन निकाला जाता है। यहाँ देखो 10 टू पावर माइनस 1 ये कितना है 1, ये भी 10 टू पावर माइनस 1 कितना है, अरे भाई NaCl इंटू VHCl निकालो ना तो कितना होगा 10 इंटू 1 बाई 10, कट गया कि नहीं, 1 आया, और N NaOH इंटू वी NaOH कितना आएगा 10 इंटू 1 बाई 10, 1 आएगा। जितना एसिड बेस में, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दोनों को मिला दो तो बेस एसिड दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ वाटर ही वाटर बचेगा, और वाटर ही वाटर बचेगा तो मतलब क्या, pH 7 होगा ना, pH 7 होगा। सी ऑप्शन आप इसके साथ जा सकते हैं। 54 देख लो आप, क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन Cu प्लस H2SO4 गोज टू CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2 ना, कह रहा है H प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। चेक कर लो, H प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिडक्शन किसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटे, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो H प्लस का, H2SO4 में ये प्लस 1 होगा, H2O में भी तो प्लस 1 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं हो रहा है, ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, जब ए गलत है तो ये गलत है, तो नन, अच्छा नन भी देखना है। सल्फेट देख लो, यहाँ सल्फर के, सल्फर का कितना आता है प्लस 6, और यहाँ सल्फर का कितना आएगा 2 × 4 प्लस 4, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता ही आपको ना, तो प्लस 6 से प्लस 4, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो सल्फेट का काम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। बी ऑप्शन सही है इसका, ए गलत है, नन नहीं हो सकता। 55 देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम हैज बीन अफेक्टेड, तो CrO4 2 माइनस में 4 × 8 − 2, देखो X − 8 − 2, तो X कितना आएगा प्लस 6, यहाँ इसमें तो दुनिया को जान, दुनिया जानती है 2X − 14 − 2, X कितना आएगा प्लस 6, चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस 6 और Cr2O7 यहाँ पर भी प्लस 6, यहाँ माइनस 2 और माइनस 4, यहाँ प्लस 6, यहाँ प्लस 6, अब तीन ऑप्शन तो कट ही गए आपके, इनमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन क्या बचा, डी बचा। अब डी कैसे, ये देखो कुछ मिसिंग है यहाँ, जैसे N2Cr2O3 कोई कंपाउंड नहीं है, ये प्लस में होना चाहिए,
ध्यान रखना, चौथी रिएक्शन चेक कर लो, NH4 का होल ट्वाइस, Cr2O7 गिव्स N2 प्लस Cr2O3 प्लस 3H2O। चेक कर लो आप, यहाँ इस पे पूरे पर अमोनियम आयन होता है प्लस 1, तो ये प्लस 2, प्लस 2X माइनस 14 इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू 12, X इज इक्वल टू प्लस 6। यहाँ देखो Cr2O3 में 2X माइनस प्लस 6, 3 × 2 = 6 माइनस 6, X प्लस 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लस 3 है और यहाँ प्लस 6 था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं चेंज हो रहा है। डी वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो द रिएक्शन 5H2O2 प्लस HClO2 HClO2 प्लस 2H माइनस HCl माइनस YO2 6H2। क्या पूछ रहा है इसमें, बैलेंस इफ X 5। तो कभी कभी आप हीट एंड ट्रायल से चेक कर लिया करो, अगर आसान लगे हीट एंड ट्रायल से कर लिया करो, हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया करो, क्योंकि रिएक्शन आसान दिख रही है, बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चेक करो जरा, पहला रखो 5 की वैल्यू रखो 5 और सब बैलेंस कर लो, तो अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 क्लोरीन, और इधर 5 रखेंगे 5 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन 5 दूना 10, 10 और 10 10 20, 20 और 20 दो 22, इधर टोटल ऑक्सीजन 22 हो रही है, इधर इधर 5 रखोगे, इधर 5 रखोगे 22 ऑक्सीजन ना, इधर 22 ऑक्सीजन, और इधर कितना वाई, कितना वाई रखोगे ना, तो वाई इधर 2 रखोगे, 2 2 4 और 6 6 4 10, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है। एक्स 5 रखने पर वाई 2 रखने पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है, कैसे, फिर से चेक करो, एक्स की वैल्यू 5 रखो तो 5 × 2 = 10 और 2 ऑक्सीजन इधर है, 10 2 12 और 5 दूना 10 12 10 22, चेक करो 5 दूना 10 2, 10 2 12 और 5 दूना 10 12 10 22, 22 ऑक्सीजन इधर, अगर वाई आप रखते हो 2 तो 4 और 6 4 10 ही हो रहा है, तो ये तो गलत है। बी वाला चेक करो, 2 रखो 2, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन बैलेंस है, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन बैलेंस है, और बोलो, और वाई 5 रखो, वाई 5 रखो, वाई 5 रखो, वाई 5, 5 दूना 10 5 10 और 6 दस छः 16, 16 ऑक्सीजन, 16 ऑक्सीजन हो रही है। यक्स अगर आप रखते हो तो, यक्स अगर 2 रखते हो तो इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 2 4, 4 2 6, 6 6 और 5 दूना 10 16, अगर यक्स 2 रखते हो तो 16 ऑक्सीजन है, और इधर जरा रखो, इधर वाई 5 रखोगे 5 दूना 10 और 6 16, बैलेंस तो हो रहा है, बी ऑप्शन ना, नहीं तो आप प्रोसेस से करो, वैसे चेक कर लो, 4 को देखो जरा, 4 एक्स 4 रखो तो 4 सीएल, 4 सीएल, सीएल बैलेंस, ऑक्सीजन चेक कर लो बस, 4 दूना 8, 8 दो 10 और 10 और 10 20, देखो 4 दूना 8, 8 दो 10, 10 10 इधर, 10 10 20, इधर रखो जरा, वाई कितना रखोगे, वाई 10 रखोगे तो 10 दूना 20 और 6 इधर 26 हो जा रहा, इधर 20 है, होगा नहीं, इसको रखो 5, होगा ही नहीं ना, तो बी ऑप्शन होगा, हीट एंड ट्रायल से कर सकते हो, और नहीं तो हाफ रिडक्शन या हाफ ऑक्सीडेशन मेथड से करो। चलो 57 में देख लो, यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। अब यूपैक नेम का कॉन्सेप्ट आपके पास पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो मेन होगा उससे नंबरिंग होगी, 1, 2, 3, 4 और 5, जरा बताओ, 4-hydroxy-3-methyl, 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 4-hydroxy-2-methyl, 4-hydroxy-2-methyl, 1, 2, 3, 4, 5, pentanol, 4-hydroxy-2-methyl, pentanol, बी वाला सही है। अब इसमें क्या ऑप्शन आप सर्च करते हो, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, आई शुडेंट नेम्ड अ कंटेन, आई शुडेंट नेम्ड अ
अ सर्टेन कंपाउंड एज 2-3 डाइएथिल ब्यूटेन, इट्स करेक्ट यूपैक नेम इज। अब पहले वो जो नाम किया उसका स्ट्रक्चर तो बनाओ, ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन की चेन, और दूसरे और तीसरे पर एथिल लगाया है, दूसरा ये है CH2CH3 एथिल और CH2CH3 एथिल। अब इसका IUPAC कर लो प्रॉपर, बैलेंस कर दो, तीन लड्डू, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 3 कर दो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3-methyl, 4-methyl, 3-3, 3-3 नहीं सही है, 1, 2, 3, 4 सॉरी 3-4 क्या कर रहे हो सर, 3-4 अब लंबी चेन ले लो आप, 3-4 3-4 डाइमेथिल हेक्सेन 3-4 डाइमेथिल हेक्सेन कौन सा ऑप्शन है, 3-4 डाइमेथिल हेक्सेन चेक कर लेना, 58 का बी। चलो आ जाओ, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से देखते हो, हाइपर कंजुगेशन से देखते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हो ना, चेक कर लो सारे कार्बोकैटायन। यहाँ देखो जरा, ये तो एरिल कार्बोकैटायन है, जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात आती है तो ये सबसे पीछे खड़े होते हैं, तो ये तो लिस्ट रहेगा, थर्ड लिस्ट रहेगा कहीं है थर्ड लिस्ट, तो थर्ड लिस्ट इसी में दिख रहा है पहले में। अच्छा पूरा चेक कर लो, अच्छा ये भी तो है लाइन में, ये भी है लाइन में, ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड भी अनस्टेबल होता है, एरिल भी अनस्टेबल होता है, इन दोनों में चेक करो जरा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2, 4, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, कोई है ऑप्शन, सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर चौथा, और फिर इन दोनों में तीसरा सबसे कम स्टेबल, फिर पहला, डी ऑप्शन सही होना चाहिए, चेक कर लो आप। चलो बेसिक स्ट्रेंथ, अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या सीखे थे आप, जो सबसे ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कार्बन तो बहुत अच्छे डोनर होते हैं। अब बताओ यहाँ पर CH3CH2- ये देखो यहाँ CH2- है, क्या है ये जरा बताओ, CH2 2, 1, 3, 1, 4 sp3 है, और ये क्या है जरा बताओ, 1, 2, 3 sp2 है, और ये क्या है, एसिटिलीनियम आयन NIN sp है, 1 और 2 है, तो भाई यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अपने पास होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा थर्ड की, फिर उसके बाद सेकेंड की, सबसे कम फर्स्ट की, सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देख चेक कर लो, चलो पढ़ा वाला थैंक यू आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हम लोग करवा पाए हैं तो हम करवा देंगे, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम होती है हम लोगों के पास, धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा तब तक आपका टेस्ट नंबर 18 आ जाएगा ना, तो आप पहले 18 की प्रिपरेशन कर लीजिएगा, फिर आप इसको क्वेश्चन को एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका कहाँ गड़बड़ था, नेक्स्ट हम इसके आगे और डिस्कस करवा देंगे, और टेस्ट नंबर 18 पेपर होने वाला है बहुत जल्द, तो पूरी केमिस्ट्री आ रही है उसमें, पूरा केमिस्ट्री आ रहा है, सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो पूरी केमिस्ट्री आ रही है, तो आपको पूरी केमिस्ट्री विद इन टाइम आपको रिवाइज करना चाहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना, किसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और जो चैप्टर क्या कहते हैं आपका पूरी तरह से तैयार हो गया है तो उसको आप रिवाइज कर लो,
ना जल्दी रिवाइज कर लो, जो चैप्टर पे कम वर्क कर पाए हो उसको और रिवाइज कर लो, और वर्क कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर डालो, ठीक है। अब अपना पेपर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी से आदत डाल लो, आने वाले जो भी पेपर हम लोग करा पाते हैं उसके लिए आप इतना ध्यान रखो, क्या कि अब अपना पेपर अगर आप 3 घंटे में कर रहे हो तो 2 घंटे 50 मिनट में करो, 10 मिनट 5 मिनट पहले क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो, मतलब स्पीड बढ़ जाए। हाँ, अब इस स्पीड बढ़ाने में क्वेश्चन गलत भी ना हो, एफिशिएंसी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।